लाइव प्रोग्राम तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे गांव की चौपाल और रात्रि विश्राम के प्रोग्राम की एक झलक औरैया के शाहबदा गांव में कुछ अलग ही अंदाज में देखने को मिली। औरैया जनपद में प्रभारी मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने शाहबदा गांव में देर रात चौपाल लगाकर क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं को सुना और गांव में ही वहीं पर दलित के घर जाकर भोजन कर रात्रि विश्राम किया। आखिर वजह क्या, वोट बैंक बढ़ाने की या फिर कुछ और? जिले के प्रभारी मंत्री की चौपाल में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। गांव में चौपाल शुरू होते ही क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं का अंबार लग गया। क्षेत्रीय लोगों ने ग्राम पंचायत स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार सहित कई शिकायतें दर्ज करवाई, जिस पर मंत्री ने जिले के उच्च अधिकारियों से शिकायतकर्ताओं की शिकायत को तुरंत निस्तारित करने के निर्देश दिए। चौपाल को गांव में लगाकर उत्तर प्रदेश सरकार जनता को जन कल्याणकारी योजनाओं से रूबरू कराकर जनता के बीच तो पहुंच गई है, लेकिन गांव की जनता को सरकारी योजनाओं का सही लाभ मिलेगा या नहीं, ये भविष्य में आने वाला समय ही बतलाएगा। फिलहाल इस प्रोग्राम से जनता को एक लाभ तो मिल ही रहा है कि शिकायत करने के बाद उसका निस्तारण एक ही मंच पर हो रहा है। जब तक यहाँ के इस गाँव के एक एक व्यक्ति की समस्या का को मैं न सुन लूं, तब तक मैं सुबह तक इस गाँव से नहीं जाऊँगा। मैं रात को यही रुकूंगा, रात्रि प्रवास मेरा यही है। मैं जितनी भी कुछ लोगों ने माइक के द्वारा, जैसे हमने एक सार्वजनिक शिकायतें थी, वो सार्वजनिक शिकायतें हमने बैठ करके सुनी है, अपने अधिकारियों को उनके हल करने के लिए कहा गया है। अब कुछ लोग एकांत में भी बात करना चाहेंगे, वो बैठ करके हम एक जगह बैठ करके जहां हम रात को रुकेंगे वहां बैठ करके यहां भी कुछ लोगों की समस्या सुन करके जाएंगे। उसके बाद उससे पहले हम यहाँ से सुबह से जाने वाले नहीं है। आपके कार्यकर्ताओं ने, आपके पदाधिकारियों ने भ्रष्टाचार, ज्यादातर शिकायतें उनकी भ्रष्टाचार की और अधिकारियों के कार्यशैली की लापरवाही की, क्या कहेंगे? जब वो लोग इस तरह की शिकायत कर रहे थे तो संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ब्रेव न्यूज लाइव के लिए औरैया से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।